Hey everyone, welcome to Shom's IAS. My name is Shivangi Sharma and here I am with chapter 2nd of class 11th economics, which is Indian economy 1950 to 1990. 1950 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, कैसे चल रही थी, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इन हमारे 5 ईयर प्लान्स, हमारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज बिटवीन 1950 टू 1990 एंड मैरिज एंड लिमिटेशन ऑफ द रेगुलेटेड इकोनॉमी. ठीक, सो हियर लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो इंट्रोडक्शन, 15 अगस्त 1947 में हम लोगों को फ्रीडम मिली थी, जिसमें हमने 2 साल का जो हमने बताया था कि 2 साल तक जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, उस ब्रिटिश रूल को तोड़ के फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनी बना रहे थे. ठीक है, अपना नेशन बना रहे थे. ठीक, तो अब जो नेशन बिल्डिंग था वो तो अब हम लोगों के हाथ में था ना, हमें कैसे हमारा नेशन को बिल्ड करना है, क्योंकि अब तो ब्रिटिश रूल चाह चुका है, अब हमें खुद ही अपनी कंट्री को बिल्ड करना है. इसलिए कुछ लीडर्स के हाथ पे चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया था कि कैसे हम अपनी कंट्री को आगे चलाएंगे. ठीक है, उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था इकोनॉमिक सिस्टम. हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, इकोनॉमिक सिस्टम भी काफ़ी टाइप के होते हैं, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे. ठीक, चलो एक बार हम इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे पहला है मार्केट फोर्सेस. जैसे नाम ही बता रहे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटलिज्म. जैसा मार्केट में सप्लाई और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इकोनॉमी चलेगी. ठीक है, जैसा सप्लाई है और जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, जो मतलब उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चलेगी. उसके बाद आता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसमें लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर, मतलब लोग क्या चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे चीज़ें बनेगी. सपोज़ अगर लोग राइस नहीं खरीद सकते, ठीक है, राइस महंगा है, लोग वीट ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो वीट ज़्यादा आएगा मार्केट पे. ठीक, उसके बाद आता है सोशलिस्ट, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ पे सब कुछ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ठीक, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जो हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोशलिज्म उनको सबसे ज़्यादा ठीक लगा कि हम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल. ठीक है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी चलाएंगे. ठीक है, नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट एन अल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. ठीक है, जैसे ये बोल रहा है, दोनों ही नहीं चाहते थे कि क्या तो कैपिटलिज्म ही हो जाए एक्सट्रीम या सोशलिज्म ही हो जाए. ठीक है, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखा गया था. ठीक, सो इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी और जो हमारे अदर लीडर्स थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि टोटली हमारी कंट्री सोशलिस्ट हो जाए, कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा, टोटली सोशलिस्ट हो जाए ये भी नहीं चाहते थे हम लोग. इसलिए होगी तो हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट सोसाइटी, बट उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी का भी एक बड़ा हाथ होगा. ठीक है, सो तो फिर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटकम. ठीक है, उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर वॉज द चेयरपर्सन, और हमने डिसाइड किया कि हम 5 ईयर्स के प्लान बनाएंगे, मतलब 5 साल हमें कैसा चलना है हम उसकी प्लानिंग करते हुए चलेंगे. प्लानिंग क्या होता है, वट इज़ प्लान, प्लानिंग होता क्या है बेसिकली. प्लानिंग होता है जब आप पहले से ही सोच के चलते हो कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, डैट इज़ प्लानिंग. ठीक है, आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए पहले से ही एक प्रोसीजर डिसाइड करके रखते हो कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर गोल हमें मिल सके. तो द फ्यूचर गोल वॉज द 5-ईयर प्लान, और उसके लिए द प्रोसीजर वॉज द 5-ईयर प्लान. ठीक है, ताकि हमारी कंट्री जल्दी जल्दी ग्रो करे, इसके लिए था ये बेसिकली. ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारी 5-ईयर प्लान्स का गोल क्या था. ठीक है, 5-ईयर प्लान तो प्रोसीजर है, गोल क्या है. तो 5-ईयर प लान का जो गोल था वॉज बेसिकली ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. ठीक है, अब क्योंकि हमारी कंट्री में ना बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इसीलिए ये प्लान्स को बनाया गया कि
हम सारे गोल्स को ये सब कुछ तो नेसेसरी ही है, तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए। इसलिए 5 ईयर प्लान्स बनाया, क्योंकि हमारी हमारी रिसोर्सेज में भी कहीं ना कहीं कमी थी। इसलिए उन्होंने इसलिए जो प्लानर्स थे उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो हमारे 5 साल के बाद वो फुलफ़िल हो और हम लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। तो पहला है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है क्या? किसी भी कंट्री की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि वो और प्रोड्यूस कर सके विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री, ठीक है। कोई भी कंट्री है उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर हम कितना चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं इज इट्स ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्टिव कैपिटल, इसको प्रोडक्टिव कैपिटल भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कितना हम कितना चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो जब हमारा ग्रोथ इंक्रीज होगी, हम अपनी ही कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इजी पॉइंट है कि अगर आप ही की बाउंड्री लेंस के अंदर आप ही की कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही तो आपकी जीडीपी तो इंक्रीज होगी ही होगी ना। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है कि आप किसी भी अपनी कंट्री के अंदर एक साल में कितना गुड्स प्रोड्यूस करते हो इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने क्लास 10 में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम ये कह सकते, एक ऐसे सिनेरियो है कि जीडीपी इज़ द केक एंड ग्रोथ इज इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द केक। सो द केक इज लार्जर, मोर पीपल कैन एंजॉय इट। जितना ज़्यादा जीडीपी उतना ज़्यादा कंट्री को प्रॉफिट, ठीक है। अब जीडीपी है वो तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन तो हर सेक्टर करेगा, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें से मतलब जो हमारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन 3 चीज़ों को, है ना। तो जो इन सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज ये है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। दीज 3 सेक्टर्स विल गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, राइट। ये तीनों सेक्टर आप अपना जीडीपी देंगे ना, सॉरी, आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे जीडीपी को, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? जब हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम एडवांस हो रहे हैं, इसमें भी क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, ठीक है। अगर कोई भी आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को डिसाइड एक्सेप्ट करो, उसको अडॉप्ट करो। उसके अलावा जब हम नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं वो मॉडर्नाइजेशन होता है, ठीक। बट मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होता, बल्कि कैसे हमारा सोशल आउटलुक है। क्या हमें वुमेंस वुमेंस को वो सेम राइट मिल रहा है जो वुमेंस को मिल रहा है, जो मैंस को मिल रहा है कि नहीं। फिर जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जब वुमेन घर पे रहा करती थी और लोग ही घर पे बाहर जाके काम किया करते थे, बट अब जब मॉडर्न सोसाइटी आ रही है तो वुमेंस भी अपना टैलेंट शो कर रही है और डिफरेंट वर्क प्लेस में काम कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस इज सेल्फ डिपेंडेंट। हमें दूसरों पे मतलब दूसरों पे नहीं हमें डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, हम खुद जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वी आर सेल्फ रिलायंट। तो अ नेशन, अगर देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन तभी होगी जब हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट है, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश हमें मतलब ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे वो सेल्फ रिलायंस को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। ये पॉलिसी का बेसिकली यही मोटो था कि हमारी कंट्री इतना इतनी ग्रो हो जाए कि हमारी जो भी बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना बंद हो जाए, स्पेशली फॉर फूड, ठीक। यही है कि सेल्फ रिलायंस तो सिर्फ इतना सा है कि हम खुद सेल्फ रिलायंस हो जाए और हमें दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विटी। देखिए, ग्रोथ भी हो गया, मॉडर्नाइजेशन भी हो गया, सेल्फ रिलायंस भी हो गया, बट दिस मे नॉट इम्प्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग, ठीक है। ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, सेल्फ रिलायंस भी है, तो
तो क्या जो लोगों का रहने सहन का तरीका है वो बदल जाएगा? आप बोलोगे बदल तो जाएगा, मॉडर्नाइज हो रहा है ना, कंट्री मॉडर्नाइज हो रही है, लोग भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, उस वे में नहीं। वट इज़ इक्विटी? इक्विटी हमारी कंट्री में इक्विटी का कुछ इसमें आपको लगता है आएगा? अगर ये सब कुछ है तो, अगर मॉडर्नाइजेशन है तो टेक्नोलॉजी तो महंगी आएगी, तो इस सिनेरियो में जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही होते जाएंगे और गरीब लोग गरीब ही होते जाएंगे। सही बोल रही हूँ ना मैं? इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जो पुअर सेक्शन है वो भी सारी चीज़ें इंजॉय करे इंस्टेड ऑफ द रिच वंस। क्योंकि रिच वंस जो भी है वो तो करते ही रहेंगे यूज़, उनके पास पैसा है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकेंगे। बट द कंसर्न इज़ अबाउट द पुअर सेक्शन। पुअर सेक्शन पे क्या इफेक्ट आएंगे? एवरी इंडियन शुड एबल टू मीट हिज बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी क्या है? क्या फूड, एक घर, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ये सब कुछ हट जाना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। सो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं थी और ना ही कोई इक्विटी थी। तो 5 ईयर प्लान्स में इंट्रोड्यूस किए गए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, विच इज़ HIV सीड्स। ठीक है, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर में थोड़ा सा हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला। सो इसके लिए ना हम पढ़ते हैं अंदर लैंड रिफॉर्म्स। हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना क्योंकि लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत थी उस टाइम पे। ठीक है, देखो, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो ज़मीन थी, ठीक है, उन वो लोग किनके पास थी? वो ज़मींदारों के पास थी। अब वो ज़मींदार तो काम ही नहीं करते थे। करते थे क्या ज़मींदार काम? नहीं, काम जो लोग काम करते थे, ज़मींदार का काम था सिर्फ रेंट कलेक्ट करना उन उन एक्चुअल टेलर से जो सच में उस लैंड में काम किया करते थे, उनसे वो पैसे लेते थे, ये था ज़मींदारों का काम। ठीक है, इसी के लिए, क्योंकि देखो, अब जब लोगों को पता है कि ना ज़मीन उनकी है, बस उनको काम ही करना है, बदले में भी उनको रेंट पे करना है ना, तो लोग जो भी फार्मर्स थे वो उतनी प्रोडक्टिविटी से तो काम करेंगे ही नहीं। मतलब उनको तो पता है, क्योंकि देखो, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, हमने पढ़ा कि शुरू से ही हमारी कंट्री एक लार्जेस्ट कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रही है हमारी कंट्री। फिर भी एक ऐसा सीनेरियो आ गया कि खाने की कमी पड़ गई और हमें USA से खाना इम्पोर्ट करना पड़ा। ठीक है, फिर इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरत पड़ी, जिसमें से किया क्या गया कि जो ये ज़मींदार वगैरह थे इनको हटा दिया गया, इन इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया, ये जो बीच के लोग थे, और जो 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 उन लैंड पे काम करते थे उनको उस लैंड का ओनर बना दिया गया। ठीक है, जो एक्चुअल में काम करते थे वो लोग ओनर बनने चाहिए थे। ठीक है, लैंड सेलिंग एक अदर पॉलिसी आई जिसमें से पता चला, मतलब इसमें ना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड बता दी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इतनी लैंड आप अपने पास रख सकते हो, ताकि जो अमीर लोग हैं ना वो कोई एक आदमी ऐसा ना हो जो बहुत सारी लैंड का वो बन जाए। ठीक है, सॉरी, द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जब इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया तो अब ऑलमोस्ट 200 लाख टेनेंट्स को वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, 200 लाख कितने हुए? इट इज़ 2 करोड़ लोग। ठीक है, ज़मींदारों को हमने हटा दिया गया, जो लोग थे वही वो जो फार्मर्स थे जो उस लैंड पे काम करते थे उन्हीं को ओनर बना दिया गया। बट कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे ज़मींदार ये बोलना शुरू कर दिया कि हम ही तो थे जो काम किया करते थे। लैंड ओनर्स थे, उन्होंने खुद ही को सेल्फ कल्टिवेटर बता दिया कि हम ही काम करते थे, उन्होंने, ताकि उनको वो लैंड का ओनरशिप मिल जाए। इसके लिए कुछ ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली, मॉल प्रैक्टिसेस, जिसमें भी लैंड ओनर्स ने क्लेम करना शुरू किया कि हम ही लैंड थे। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल लेबर था पुअरेस्ट सेक्टर, उसको बेनिफिट्स नहीं मिला इन लैंड रिफॉर्म से बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, बट लैंड रिफॉर्म्स कुछ
स्टेट में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स लेकर आया. इट वॉज सक्सेसफुल इन सम स्टेट्स विच वॉज केरला एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, जिसमें जो टेलर्स जो 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 काम करने वाले थे उनको एक्चुअली में उनकी लैंड मिली और वो लोग उनको मतलब उनकी लैंड मिली और वो खुद उस पर काम करना शुरू किया उन लोगों ने. ठीक है, द ग्रीन रेवोल्यूशन एट इंडिपेंडेंस. जब इंडिपेंडेंस मिला अराउंड 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हम शुरू से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th विच वॉज द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर. उसमें भी हमें देखने को मिला था कितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे. ठीक है, जब 75% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे फिर भी एग्रीकल्चर का जो शेयर था जो प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी कम थी. ऐसा क्यों? इतने 75% लोग कंट्री के जब इसी पे डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे फिर भी इतना कम प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे. ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी और रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसकी ना कमी थी हमारे फार्मर्स के लिए हमारी कंट्री पे. ठीक है, और इरिगेशन का सिर्फ इकलौता सोर्स था वॉज मॉनसून. अगर मॉनसून नहीं आया तो फार्मर्स को ट्रबल आ जाता था. ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती थी. इरिगेशन कैसे करेंगे? इरिगेशन फैसिलिटीज थी ही नहीं. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे कंट्री में. ब्रिटिश ने कभी हमारी कंट्री के प्रॉफिट के लिए छोड़े नहीं, बिकॉज उनका मेन प्रॉफिट वॉज सॉरी उनका मेन गोल वॉज अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम आर कंट्री. ठीक है, दिस रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सॉरी हाँ ठीक है. जब HYV सीड्स इंट्रोड्यूस की गई, बेसिकली ये वही वीट और राइस के लिए ही थी, तब एक काफ़ी फूड ग्रीन्स देखने को मिली. बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इसको ज़्यादा पानी की और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी. ठीक है, In 1960s अप टू मिड 70s HYV सीड्स का जो सबसे ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया कि यूज़ नहीं करेंगे विच वॉज पंजाब आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ऐसा क्यों? बिकॉज HYV सीड्स में ना हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी और पेस्टिसाइड्स आर काइंडा यू नो कॉस्टली. उसके अलावा उसको यू नो रेगुलर इरीगेशन की ज़रूरत थी और उनमें जो पेस्ट लगते थे वो पेस्ट नहीं थे जो नॉर्मल पेस्ट पे जो नॉर्मल कॉस्ट पे लगती थी. ठीक है, नॉर्मल क्रॉप पे लगती थी सॉरी. तो जो HYV सीड्स है उनके लिए पेस्टिसाइड्स ज़रूरी थी. और एक बड़ा रीज़न ये भी था कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी धीरे धीरे ना एक डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा था. इन द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द HYV टेक्नोलॉजी. देखो सेकेंड फेज जब आया तो ये ना एक मतलब काफ़ी स्टेट्स में फिर से HYV सीड्स फैल गया और काफ़ी इस तरह की क्रॉप्स में इसको फ़ायदा भी मिला, जिसकी वजह से हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड ग्रेन के सेक्टर में. ठीक है, सो ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट में जो ग्रोथ मिली वो इम्पोर्टेंट तो थी बट इनफ नहीं थी. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है, ये तो देखने को मिल रहा है, बट इनफ नहीं है. बिकॉज जो क्रॉप वो उगा रहे हैं ना वो तो फार्मर्स खुद ही कंज्यूम कर लेते थे. इतना तो फार्मर्स को चाहिए ही चाहिए ना कि जो वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद तो खाएंगे ही खाएंगे, वो भूखे थोड़ी ना रहेंगे. तो वो सिचुएशन अभी तक नहीं आई थी कि मार्केट पे हम क्रॉप बेच सके इतना हमारे पास आउटपुट आ जाए. द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस. मार्केट सरप्लस होता क्या है कि हमने अभी देखा कि जो फार्मर है वो इतनी फूड क्रॉप प्रोड्यूस कर दी कि उसका अपना पेट भर जाए. बट जब इतना क्रॉप ग्रो हो जाए कि उसका पेट भी भर जाए और बचा हुआ जो पार्ट है वो बेच भी सके मार्केट पे, तो ये जो बचा हुआ प्रोडक्शन है इट्स मार्केट सरप्लस. ठीक है, इसको बेच सकता है बेसिकली वो मार्केट पे. ओके, नेक्स्ट इज अब हुआ क्या कि लोगों जो गवर्नमेंट सॉरी इनकम ग्रुप हाँ मार्केट सरप्लस था कि जो सी चीज़ मार्केट सरप्लस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जो लोग थे जो चीज़ बच जाती थी अपने खाने के लिए वो लोग बेच दिया करते थे. ठीक है, अब
अब ऐसा हो गया कि ठीक है, HYV सीट्स तो इंट्रोड्यूस हो गए कंट्री में, इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है, बट एक ना रिस्क तो था ही था, वॉज तो एक डिसपैरिटी थी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब देखो जो बड़े फार्मर्स है वो HYV सीट्स भी इजीली खरीद सकते हैं, वो पेस्टिसाइड्स भी इजीली खरीद सकते हैं, उनको वो वाटर फैसिलिटी के लिए भी वो यू नो ट्यूबवेल्स लगवा सकते हैं, बट जो पुअर फार्मर्स थे ना उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही थी। HYV क्रॉप्स, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि HYV क्रॉप्स बहुत प्रोन थे पेस्ट के लिए, और जो स्मॉल फार्मर्स थे ना वो मतलब सब कुछ पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद पाते थे, और पेस्ट लग गए तो पूरी फसल बर्बाद। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन, तो फिर गवर्नमेंट ने, अब देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर हमारी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम सीख देखने को मिल रहा है, तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने लो रेट में लोन प्रोवाइड करना शुरू किया स्मॉल फार्मर्स को, और सब्सिडीज प्रोवाइड करनी शुरू की फर्टिलाइजर्स के लिए और अलग चीज़ों के लिए भी। अब देखो ये तो इतनी अच्छी बात है ना कि फार्मर्स अपने रिक्वायर्ड इनपुट्स खरीद सकते हैं इजीली, और बट स्मॉल फार्मर्स को ना इसका फ़ायदा भी देखने को मिला, बट प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि जो लार्ज फार्मर्स थे उन्होंने भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। लार्ज फार्मर्स ने भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। अब देखो स्मॉल फार्मर्स को जो प्रॉब्लम देखने को मिली थी वो पेस्ट अटैक, तो इसके लिए पेस्टिसाइड्स के लिए भी इन्होंने वो सब्सिडीज लानी शुरू की हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसने रिच फार्मर्स को भी ना बहुत फेवर किया, क्योंकि अब देखो अगर आप फार्मर्स के लिए कोई चीज़ ला रहे हो तो उसके लिए, अब उसमें रिच फार्मर्स ने भी बहुत ही फ़ायदा उठा लिया। अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं बोलेगी सिर्फ स्मॉल फार्मर्स के लिए, जब फार्मर्स के लिए कोई चीज़ आती है तो रिच फार्मर्स भी उसका जो है अपना सफिशियंट फ़ायदा उठा लेता था, ठीक है। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उन्होंने उसने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी काफ़ी बेनिफिट आया, ठीक है। जो सब्सिडीज थी वो फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट लाए, बेसिकली इन द प्रॉस्पेरस रीजन मेजोरली। उसके अलावा बट प्रॉब्लम ये आई कि जो टारगेट ग्रुप्स था, जिन चीज़ों जो टारगेट ग्रुप्स है वो द स्मॉल फार्मर्स, उन लोगों के लिए ये कुछ फ़ायदा नहीं देखने को मिला हम लोगों को, ठीक है। फिर कुछ लोग ये बिलीव कर रहे थे कि जब रिच और पुअर लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है ही है, और जो रिच लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो अमीर है वो और ही अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और ही गरीब होता जाएगा, इक्विटी का गोल तो मतलब मानो ख़त्म। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि आप सब्सिडीज़ को हटा ही दो, बट कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे ना कि अगर अभी सब्सिडीज़ नहीं आई होती तो हम लोग आज सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते फ्रूट उसके लिए, ठीक है। तो 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड थी टिल 1990s में, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं बट स्टिल, और GDP में कोई इतना कुछ खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि देखो 67% थी 1950 में और 64.9% होगी 1990 में, जो कि सिर्फ 3% का ही फर्क है। 3% इज नॉट सच अ लार्ज नंबर, ठीक है। और जो आउटकम था उसमें भी कुछ फर्क नहीं देखने को मिला हम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब एग्रीकल्चर सेक्टर अपना एक मेजर रोल प्ले तो कर रहा है, बट वो अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर कितना दे सकता है, इसके लिए इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस, सॉरी, अगर हमारा नेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है, हमें कंडीशन दिख रही है, तो गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीमेंट में, अगर हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर थोड़ा इंक्रीमेंट लाए तो शायद हमारी कंट्री थोड़ा सा डेवलप हो पाएगी। इसके लिए तो फिर इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री जो है एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि एग्रीकल्चर शायद नहीं करती, ठीक है। स्टेबल नहीं है एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है, बट इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है। इसके लिए
It is for this the reason that the 5-year plan placed a lot of emphasis on the industrial development. ठीक है, 5-year plan ने industrial development के लिए बहुत बड़ा role play किया. तो यहाँ पे ना हम एक ये पढ़ते हैं. 1950-51 में अराउंड 72.1% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे. 66.8 वॉज इन 1991. इंडस्ट्री सेक्टर में थे 10% इन 1950-51 एंड 12.7 इन 1990-91. सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ, काफ़ी अच्छा तो नहीं मतलब ठीक है ग्रोथ था, वॉज 17.2 to 20.5 अराउंड, ज़्यादा नहीं, 3% का ही ग्रोथ यहाँ पे था, 2% का अराउंड 2% का ग्रोथ यहाँ पर था. ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो दो सबसे अच्छी यू नो आयरन और स्टील फर्म्स बनी वॉज इन जमशेदपुर विच वॉज इन टेस्को, अदर इन कोलकाता. कोलकाता में कौन सी थी वो आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पब्लिक प्राइवेट एंड इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जब हमें ये देखने को मिला कि सिर्फ दो ही हमारी एक अच्छी सी वेल सेटअप जो है हमारी इंडस्ट्रीज थी, तब तब आता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्ट देते हैं. ठीक है, इंडियन में एट अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियल डिड नॉट हैव अ कैपिटल टू अंडरटेक. देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ना एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लार्ज कैपिटल की ज़रूरत है, और लोग और ना जो गवर्नमेंट थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, और जिन लोगों के पास इतना पैसा था वो एक उनके मन में एक डाउट था कि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट करें और जो चीज़ें हम प्रोड्यूस भी करें तो क्या सब क्या गारंटी है कि वो जो चीज़ हम प्रोड्यूस करें वो आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा. इसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगा. ठीक है, गवर्नमेंट को एक काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव रोल प्ले करने की ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में. ठीक है, तो उसके बाद जब जो भी था हमारा वो सोशलिस्ट लाइन में ही चल रहा था, अभी तक हमने जाके पढ़ा कि गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है. तो जब जब गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारी कंट्री में कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है, तब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि शायद प्राइवेट सेक्टर भी हमारी कंट्री में हो, बट जो रहेगा तो सोशलिस्टिक इंडस्ट्री चलाएगी तो पब्लिक सेक्टर ही, बस उसमें एक सपोर्ट का काम करेगा प्राइवेट सेक्टर, एक छोटा सा बीच में एक ब्रिक बन के रहेगा प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, जिससे पब्लिक सेक्टर को यू नो थोड़ा लीड तो पब्लिक सेक्टर ही करेगा. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर का हाथ तो रहेगा बट कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो वो उसे पब्लिक सेक्टर ही करेगा. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनमी. तो कुछ पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए 1956 में. ठीक है, जो कि सेकेंड 5-year प्लान पे ज़्यादातर बेस्ड है, जिस पे ट्राई किया कि जो सोशलिस्ट पैटर्न है उसी की बेसिस पे हम हमारी सोसाइटी को थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करेंगे इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, एक्सक्लूसिवली ओन जबकि हमें पता था कि ज़्यादातर हमारी जो चीज़ हमारी कंट्री जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही ओन्ड है. और जो सेकंड कैटेगरी ये आई कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक सप्लीमेंट एफर्ट बने पब्लिक सेक्टर के लिए. ठीक है, एक मतलब सप्लीमेंट्री रोल दे उसके लिए. अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इंडस्ट्रीज खोलनी है तो उसके लिए एक नया लॉजिक आया विच वॉज द लाइसेंस सिस्टम. ठीक है, अगर अगर किसी कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर को कोई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और अगर और लाइसेंस कौन देगी, लाइसेंस देगी गवर्नमेंट. अब इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया ये था कि जो भी अगर अगर सपोज कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्होंने लाइसेंस लिया है कि वो बाइसाइकिल बनाएंगी. ठीक है, अगर उन्होंने बोलिया कि वो बाइसाइकिल्स बनाएंगी तो वो सिर्फ बाइसाइकिल्स ही बनाएंगी, वो मोटरसाइकिल्स नहीं बना सकेंगी. और उसके अलावा जितना अगर गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 100 यूनिट बनाओगी तो वो 100 यूनिट ही बनाएंगी, उससे 1 यूनिट ज़्यादा नहीं बना सकते हैं वो लोग. ठीक है, तो यहाँ पे और उस पर अगर लाइसेंस ईजिली चाहिए, लाइसेंस ईजिली मिलने का ना एक हमारे पास एक वो बना
कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि तुम जो रीजनल बैकवर्ड एरिया है ना उधर जाके चीज़ें बनाओ तो हम तुम्हें थोड़ा सा इजीली लाइसेंस दे देंगे। बट देखो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सीक्स फॉर प्रॉफिट। अगर किसी बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट मिलने का तो चांस नहीं लगता है, बिकॉज एक बैकवर्ड एरिया में साइकिल्स या फिर कोई भी चीज़ है तो लोग खरीदना खरीदना नहीं खरीदना एक बड़ा डाउट बनकर आगे आता है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस यही था कि रीजनल इक्वालिटी बनाई जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी नए नए तरह के वेराइटीज़ ऑफ गुड प्रोड्यूस होना शुरू हुई, जिससे हमारी कंट्री में थोड़ा सा ना ग्रोथ देखने को मिला क्वांटिटी में और इकोनॉमिक। जितना हमें चीज़ें चाहिए थी, जितनी हमारी इकोनॉमी को चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उतनी चीज़ें हम प्रोड्यूस करने वाले थे, और उससे बट उससे ज़्यादा नहीं मतलब बना पाए चीज़ें। एक वो था कि ताकि हम अपने रिसोर्सेज ना वेस्ट करें। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी भी पॉइंट में एक बड़ा बड़ा सोर्स हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का भी। 1955 में विलेजेस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जिनको कार्वे भी बोलते हैं, उन्होंने कार्वे कम्युनिटी ने नोटिस किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की यूज़ से हम ना रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। जो गांव के लोग हैं, जो गांव का पिछड़े इलाके हैं, उधर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से थोड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें उस टाइम पे मैक्सिमम ₹5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट आज के टाइम पे इट्स 1 करोड़, ठीक है। ये लेबर इंटेंसिव होती है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द क्राइटेरियन फॉर रिजर्वेंस बीइंग एबिलिटी टू यूज़ द मैन्युफैक्चर, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने ना हमारी एबिलिटी बढ़ा दी मैन्युफैक्चर करने की चीज़ें, मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। फिर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी हमने डिवाइड को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इन फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वॉज करेक्टराइज बाय वट कॉमनली कॉल्ड द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो लोग गवर्नमेंट ये चाहते थे मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, सब कुछ हम अपनी ही कंट्री में बनाएं, ठीक है, हमें बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े। ये बेसिक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम लोग करें, और ये काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि अभी हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो अभी जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, अगर उन्हीं का भी हम इंटरनेशनली का जो कंपटीशन है वो दिखा देते तो ये तो मर ही जाते, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, ठीक है। इसके लिए 2 फॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, वो टैरिफ एंड कोटा। अब टैरिफ्स क्या थे? टैरिफ्स का मतलब था कि वो कोई भी चीज़ में इतने टैक्स लगा देते थे कि जब वो इंडिया में आए तो कोई उसको खरीदे ही ना, इतना महंगा। और नेक्स्ट इज कोटास, कोटा हाँ, कोटा में एक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बता दी जाती थी कि इतना ही हम इम्पोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, आर प्लानर्स ऑल्सो फियर द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरन एक्सचेंज बीन पेट्रोल, क्योंकि देखो लोगों ने जो गवर्नमेंट थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ना किसी भी पर्सनल लग्जरी पे नहीं ध्यान देंगे, हम देखेंगे कि क्या चीज़ लोगों को ज़रूरी है कि वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, वही चीज़ मंगवाएंगे, किसी की भी पर्सनल लग्जरी पे हम नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑन पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड, ठीक है। ये बोल रही कि फर्स्ट 7 प्लान में ना काफ़ी इम्प्रेसिव था इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 13% से 24.6% बन गया। इन जो 13% था 1950-51 में वो 24% बन गया 1990-91 में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी डाइवर्सिफाई बन गया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमने बनानी शुरू कर दी और एक बहुत सारी चीज़ें बनानी शुरू हो गई, और पब्लिक सेक्टर में भी, ठीक है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने, अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरह की चीज़ें बननी शुरू हुई हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा था 1950-51 में, एग्रीकल्चर का वॉज 59 और 1990 में था ये 34। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इट वॉज 30% इन 1951 एंड 24 में ये जंप हो गया
सर्विस सेक्टर में हम देखें तो इट वॉज 28% एंड 40.5%। ठीक है, जो हमारा जो हमने प्रोटेक्ट करके रखा हमारी कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन से, उससे हमारा थोड़ा सा इंडस्ट्रीज में एक इंडिजीनियस वो मिला, डेवलपमेंट मिला इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स में हम डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी तो कहीं ना कहीं हमें एक वो देखने को मिल ही रहा था, क्योंकि हमने मतलब एक एक ग्रोथ तो हमें बेसिकली देखने को मिल ही रही थी। अब उस टाइम पे एक एक वाइडली वो हुआ कि जौन सी चीज़ लोगों को चाहिए, जौन सी गुड्स और सर्विसेज लोगों को चाहिए, हम वही बनाएंगे, किसी भी एक सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उन चीज़ों पे अपनी टांग अड़ाना शुरू किया जिन पे उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों बोलूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बना सकती थी इजीली, उनको गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी टांग अड़ाई और गवर्नमेंट ने वो बनाने शुरू किए। सबसे बेसिक रीज़न मैं बताती हूँ, ब्रेड। ब्रेड क्यों गवर्नमेंट बना रही है? ब्रेड तो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती है ना, इस पे अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रही है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ढंग से चला सकता था, ठीक है, बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड। क्या प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर ब्रेड नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता है। इसमें कुछ दो डिस्टिंक्शन बनाए गए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पब्लिक सेक्टर अकेले कर सकती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। ये इन दो चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया इन लोगों ने, और गवर्नमेंट ने जो चीज़ें एक स्मॉल स्केल प्राइवेट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से कर सकती थी, उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने टाइम वेस्ट और अपना रिसोर्स वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैनी पब्लिक फर्म इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, काफ़ी बड़ा लॉसेस भी हुआ उस टाइम पे, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मतलब कुछ इतना कुछ खास मतलब कोई भी अगर मतलब गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो भी चीज़ें हैं, सपोज अगर कहीं ना कहीं वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है किसी भी रिसोर्स का, सपोज कोई भी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, तो रिसोर्स का वेस्ट होगा, तो उस टाइम पे ना क्या करती थी कि जो गवर्नमेंट थी वो उनको खरीद लिया करती थी बेसिकली। ठीक है, उस टाइम पे ताकि कंट्री की इकोनॉमी में ना एक बेसिक प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए उस टाइम। ठीक है, सो हाँ, इसीलिए जो थे वो काफ़ी लोगों को लॉस भी बियर करने की कोशिश बियर करना पड़ा, और इसका एक मेन रीज़न था कि लाइसेंस राज आ गया। ठीक है, जो लोग हर एक चीज़ का ना हमें लाइसेंस लेना पड़ रहा था, ऐसी सिचुएशंस आ गई, तो उस टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद जब इतने सारे इम्पोर्ट्स में रेस्ट्रिक्शन थी, तो इंडियन कंज्यूमर को वही चीज़ खरीदनी पड़ रही थी जो प्रोड्यूसर्स बना रहे थे। ये ना एक तो जो प्रोड्यूसर्स थे, अब ये प्रॉब्लम थी कि अब चाहे वो प्रोड्यूसर्स कैसी भी चीज़ बनाए, कंज्यूमर्स को तो वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए भी एक बेसिक प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि कंज्यूमर्स को जो एक अच्छी चीज़ नहीं कंज्यूम करने के लिए मिल रही थी। ठीक, अ फ्यू इकोनॉमिक्स ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेन फॉर अर्निंग। हाँ, कहीं कहीं ऐसा था कि जो पब्लिक सेक्टर थे वो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए नहीं थी, जबकि वो नेशंस का वेलफेयर भी तो ग्रो कर रही थी। ठीक है, इसके लिए हमने जब तक हमारे फॉरेन कंपटीशन को ना फॉरेन कंपटीशन से हमने प्रोटेक्ट करके रखा हमारे प्रोड्यूसर्स को, जब तक हम लोग इतने बड़े ना इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन गई। सो यहाँ पे आता है कंक्लूजन कि कैसे हमने देखा कि जो फर्स्ट 7 ईयर प्लान थे उन्होंने कैसे वो किया, हमारे सेल्फ सफिशिएंट बने हम लोग, कैसे हमने ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया, उसके अलावा इंडियन प्रोड्यूसर्स को हमने कैसे प्रोटेक्ट करके रखा अगेंस्ट द फॉरेन प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कैसे हम कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ग्रो करने में कहीं ना कहीं डिफीट करते रहे। तो अब आगे जब हम पढ़ेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक सीनेरियो में, जब हमारा कंट्री में थोड़ी सी हमें ना इंक्रीमेंट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत टाइम हो गया था कि जब तक हमने अपने हमारी कंट्री को यू नो छुपा के रखा था, तो अब टाइम आ गया था कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें 1991 में और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाए। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो हियर दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।